प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं आपसे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और जिंदगी के बारे में बहुत ही मूलभूत समस्या कह लीजिए या बहुत मूलभूत तत्व कह लीजिए उस पर बात करने जा रहा हूं। और निश्चित रूप से मेरे इस विषय का भी आधार आप लोगों के ही मेल रहे हैं। दरअसल चलिए शुरुआत एक उदाहरण से करते हैं। हम जंगल में जाते हैं, मान लीजिए कि मैं जंगल में जा रहा हूं, एक वन है। अब आप देखें कि उस वन में, उस जंगल में कितनी सारी चीजें हैं। हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, हरी हरी पत्तियां हैं, उनकी खूबसूरत डगालें हैं, उन डगालों में लटकते हुए फूल हैं, फल भी हैं, और जो पेड़ पौधे हैं उनमें कुछ वनस्पतियां हैं यानी कि जिनका औषधीय मूल्य है, ढेर सारी चीजें जंगल में हैं। फिर पशु और जानवर और जीव जंतु ये सारे तो हैं ही, यानी कि कल्पना कीजिए कि एक वन में कितनी सारी चीजें होती हैं, राइट? मैं घर से निकलता हूं और मुझे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, मैं ईंधन लेने के लिए वन में जाता हूं, राइट? जब मैं वन में प्रवेश करता हूं तो अब वहां सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ढूंढता क्या हूं? मैं वह सूखी लकड़ी ढूंढ रहा हूं, वे सूखी लकड़ियां, वे झाड़ी झंखाड़ जो मेरे ईंधन के काम आ सके, जिन्हें मैं जला सकूं। मैं फलों को भी देखता हूं, मैं खूबसूरत फूलों को भी देखता हूं, उन हरियाली के बीच मैं दिन भर रहता भी हूं, लेकिन उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी आंखें ढूंढ क्या रही हैं? मेरी आंखें ढूंढ रही हैं सूखी लकड़ियां, झाड़ झंखाड़, और जब मुझे वो मिल जाती हैं, मैं उन्हें चुनता हूं, इकट्ठा करता हूं, उनका बंडल बनाता हूं और अपने सिर पर या अपने कंधे पर रखकर अपने घर वापस आ जाता हूं, और मुझे खुशी भी होती है कि मुझे ये सारी चीजें मिल गई, राइट? जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के पूछता है कि तुम जंगल में क्या करने गए थे, तो स्वाभाविक है कि मैं उसे यही बताऊंगा कि मैं जंगल में सूखी लकड़ियां लेने गया था, राइट? बात खत्म हो गई। तो मेरे लिए जंगल क्या हुआ? मेरे लिए जंगल मुझे सूखी लकड़ियां देने वाला एक माध्यम हो गया, जबकि जंगल में बहुत सारी चीजें अब और भी अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा उनसे सरोकार नहीं है, मेरा सरोकार केवल अपनी चीजों से है, राइट? मैं ये जो बात कह रहा हूं मित्रों, ये इस संदर्भ में कह रहा हूं कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी लोग आते हैं, जो भी माध्यम हमें अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं, चाहे वह किताब हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे कोई गाना हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पढ़ाई समझदारी की चीज हो, उसमें ढेर सारी चीजें होती हैं, याद रखिए। उसमें केवल एक चीज नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? हमें देखिए बिल्कुल वही मिलता है जो हम ढूंढते हैं, बस और कुछ भी नहीं मिलता। और हालांकि ये बात अलग है कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसका मतलब है कि हमारी आंखें उन्हीं चीजों को देखती हैं जो हम देखना चाहते हैं, उन्हीं चीजों को ढूंढती हैं जो हम पाना चाहते हैं, और अंततः जब हम पा लेते हैं तो उन्हीं चीजों को लेकर वापस आ जाते हैं, बात खत्म हो जाती है, जबकि पता लगता है कि वहां तो बहुत सारी और भी चीजें थी, बहुत सारी और भी चीजें थी, राइट? चलिए ये तो हमारी जरूरत की बात हो गई, लेकिन मान लीजिए कि आपकी कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपके सामने ढेर सारी चीजें हैं, तो उसमें अब आप किसका चयन करेंगे, उसमें आपका किस पर फोकस होना चाहिए? दोस्तों यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया क्या है। अब देखिए वह बात दृष्टि की है, यहां भी मैं जो नजरिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, दृष्टिकोण शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा उसमें, क्योंकि दृष्टि शब्द यहां भी कि हमारा फोकस कहां है, हमारी जिंदगी का फोकस कहां है, और वो फोकस यह निर्धारित करा देगा कि आपके सामने जो इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, इन पड़ी हुई चीजों में से आप किसे चुन रहे हैं। अगर मेरी मेरे नजरों में कह लीजिए या मेरे दिमाग में फालतू की चीजें भरी हुई हैं, तो बट नेचुरल है कि फिर मैं फालतू की चीजों को चुनूंगा। अगर मेरे दिमाग में बहुत महत्वपूर्ण चीजें भरी हुई हैं, तो मैं उनमें से महत्वपूर्ण चीजों को चुन लूंगा।
अब आप कह सकते हैं कि भाई मेरी दृष्टि में यही चीज महत्वपूर्ण है जिसे आप फालतू कह रहे हैं। ठीक है, आपकी दृष्टि में वो चीज महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन एक सामाजिक दृष्टि भी तो होती है, उसकी अपनी एक वैल्यू भी होती है। हम उस सामाजिक दृष्टि या उसकी जो वास्तविक वैल्यू है, कीमत है, उसको तो नहीं नकार सकते। एक पेड़ की जो कीमत हो सकती है, झाड़ झंखाड़ और सूखी लकड़ियों की तो कीमत नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि मुझे अभी झाड़ झंखाड़ चाहिए, सूखी लकड़ियां चाहिए, तो मैं पेड़ क्यों लूं, वह बात अलग है। लेकिन आपको अगर चयन दे दिया जाए कि इसमें से तुम कुछ भी चुन करके ले आओ, तब तो बात अलग हो जाती है ना। तब तो अगर मैं सूखी लकड़ियां इसके बावजूद चुनकर लाता हूं, तो इससे यही पता लगेगा कि मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, या जंगल के प्रति दृष्टिकोण क्या है। जंगल तो मुझे पता नहीं क्या क्या दे सकता था, हजारों वरदान उसके पास थे, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा फोकस झाड़ झंखाड़ पर है। यार मुझे यही मिल जाए, यही बहुत है, राइट। दोस्तों, अब इस बात को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध क्या मतलब, इस बात का और खुलासा करने के लिए मैं रामचरितमानस का आपको एक बड़ा खूबसूरत प्रसंग बताना चाहूंगा। मैंने एक किताब लिखी है सदा सफल हनुमान, कि हनुमान एक वानर थे और कैसे भगवान बन गए। तो देखें कि उनकी दृष्टि क्या है, वो क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मित्रों, ये बहुत मूल मंत्र है जीवन का, बहुत बड़ा मंत्र है। होता यह है, बिल्कुल रामचरितमानस के जब आप आखिरी आखिरी में जाएंगे तो रावण का वध हो चुका है, सीता जी वापस आ चुकी हैं और बकायदे राम अपने दल बल के साथ बैठे हुए हैं, चांदनी रात है, और चांदनी रात में खिले हुए चंद्रमा को देखकर राम पूछते हैं कि ये बताओ कि इस चंद्रमा में जो काला रंग है, जो काला रंग है चंद्रमा में, धब्बा होता है ना, वह धब्बा किस चीज का है, किस चीज का है। दोस्तों, जब वो पूछते हैं तो वहां और भी बहुत से लोग हैं, है ना, वहां जामवंत हैं, लक्ष्मण हैं, सुग्रीव हैं, और बहुत से लोग हैं, हनुमान भी हैं। तो सब अपने अपने ढंग से जवाब देते हैं कि चंद्रमा में ये जो काला धब्बा दिखाई दे रहा है, ये क्या है। और आप इन उत्तरों को एक प्रकार से उनके मन और मस्तिष्क का एक्सरे समझिएगा। ये केवल उत्तर नहीं है, उत्तर कहां से आ रहे हैं, जो उनके मन में है, जो उनके दिमाग में है, वहीं से तो उत्तर आएंगे ना। तो एक्सरे समझिएगा। अब आप देखिए कि सुग्रीव क्या कहते हैं, वानर राज थे सुग्रीव, वो कहते हैं कि देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा में जो काला रंग है, उसमें बेसिकली पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है, पृथ्वी की छाया उस पर पड़ रही है, तो वो काले रंग में दिखाई दे रहा है। कोई कहता है कि नहीं, वो जो चंद्रमा है उसके हृदय में छेद हो गया है, तो वो जो छेद है वो काले रंग में दिखाई दे रहा है। एक ने कहा कि देखिए चंद्रमा और विष, जहर, पॉइजन, ये दोनों भाई हैं। देखिए भाई इस रूप में है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से जो 14 वस्तुएं निकली थी, चीजें निकली थी, उसमें एक चंद्रमा भी था और एक विष भी था। तो चूंकि समुद्र मंथन यानी कि एक ही गर्भ से वो दोनों निकले, तो भाई भाई हो गए ना। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि दोनों भाई भाई हैं, तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा ने अपने दिल में अपने भाई को बसा रखा है, और वो जो बसा रखा है वो विष है, और विष का रंग काला होता है। तो अब मित्रों, सभी ने तीन उत्तर आपके सामने मैंने दिए, राइट। अब हनुमान जी की बारी आती है, हनुमान जी की बारी। अब आप देखिए हनुमान जी का उत्तर देखिए, और फिर आप खुद इन उत्तरों पर विचार कीजिए, मुझसे मत पूछिएगा, आप खुद विचार कीजिए और थोड़ा सा गहराई से विचार कीजिएगा। उसमें जो दोहा है वो है, कह, ये आपके वो अच्छा छंद है, कह हनुमंत सुनहु प्रभु। हनुमान ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, शशि तुम्हार प्रिय दास, कि ये जो चंद्रमा है ये आपका बड़ा प्यारा सेवक है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विधु उर बसति सोई श्यामता अभास। चूंकि वह आपका प्रिय सेवक है, तो सेवक होने के नाते वह आपकी मूर्ति को यानी कि आपकी सूरत को हमेशा अपने हृदय में बसाए रखता है, और आपका रंग सांवला है। तो वो जो आपकी जो मूर्ति है, जो आपका स्वरूप है, उसी का जो आभास है, वो श्याम रंग के रूप में दिखाई दे रहा है, काले धब्बे के रूप में दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों हनुमान का उत्तर था।
अब आप देखिए कि पहले के जो तीनों उत्तर हैं सब के सब निगेटिव है। उनका फोकस कहाँ है? किसी का फोकस विश्व पर है, तो किसी का फोकस पृथ्वी की छाया पर है, तो किसी का फोकस हृदय में छेद हो गया है। यानी कि सब इसमें चंद्रमा की कहीं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, लेकिन हनुमान क्या कह रहे हैं कि भैया वो तो आपका प्रिय सेवक है और आपकी मूर्ति को हमेशा अपने हृदय में बसा करके रखता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली या जो भी कह लीजिए, आपका रंग सांवला है तो वो सांवला रंग दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यह फोकस, यह है दृष्टि। चूंकि हनुमान की दृष्टि ऐसी थी तो उनके जीवन में भगवत्ता की वृष्टि होती रही, भगवान बन गए। और दूसरों की दृष्टि, वो कोई विष ढूंढ रहा था, कोई पृथ्वी की काली छाया ढूंढ रहा था, कोई छेद ढूंढ रहा था, तो उनके जीवन में उसी तरीके से वृष्टि हो गई। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। याद रखिए कि एक ही चीज में ढेर सारे खजाने होते हैं। आप ढूंढते वो है जो आपके दिमाग में होता है। कचरे के ढेर को कभी देखिए, हमें कचरे का ढेर लगता है, बेकार। हम नाक पर रुमाल रख करके जाते हैं और वो जो अनपढ़ बेचारे छोटे छोटे जो बच्चे होते, कभी मेट्रो में जाइए देखिए, उन कचरे के ढेर में से वो अपनी वो चीजें ढूंढ लेते हैं जिसे बेच करके वो अपना और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। वो ढूंढ लेते हैं चीजें, हमें वो दिखाई नहीं देती। तो सब कुछ डिपेंड दोस्तों इस बात पर करता है कि हमारा फोकस कहाँ है, हमारा नजरिया क्या है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अनुमति दीजिए, नमस्कार।